नमस्कार, इवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का 49वां दिन आज। किसान संगठन आज कृषि कानूनों की जलाएंगे कॉपी। 15 को फिर बैठक, 25 और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे किसान। किसान आंदोलन के कारण संकट में हरियाणा सरकार। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पार्टी विधायकों संघ की मीटिंग। तो अमित शाह से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा हरियाणा में राजनीतिक माहौल ठीक। सोलह जनवरी को पीएम मोदी वैक्सीनेशन का करेंगे शुभारंभ। इससे पहले 54,72,000 वैक्सीन डोजेज हुई सप्लाई। पुणे से देश के 13 शहरों में पहुंची वैक्सीन डोज। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वैक्सीनेशन का उद्घाटन। देशभर में वैक्सीनेशन को लेकर चिन्हित सेंटर्स से रहेंगे कनेक्ट। राजस्थान के 2 सेंटर्स पर रहेगा 2-वे कम्युनिकेशन। दुनियाभर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,19,00,000 से अधिक। तो वहीं कोरोना से 6.5 करोड़ से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। अभी भी 2,42,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,04,00,000 के पार। तो वहीं 1,51,000 से अधिक लोगों की हुई मौत, जबकि 1 करोड़ से अधिक मरीज हुए इलाज के बाद स्वस्थ। देशभर में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई हुई शुरू। जयपुर में हैदराबाद से पहुंची कोविड वैक्सीन की पहली खेप। 3 बॉक्सेस में 1,000 शीशियों में भरकर वैक्सीन लाई गई जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री गहलोत ने दी शुभकामनाएं। लोहड़ी, मकर संक्रांति पर्व की प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सुरक्षित पतंगबाजी के बारे में की अपील। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का जयपुर दौरा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने की केसी वेणुगोपाल से मुलाकात। देशभर में एक बार फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 24 पैसे प्रति लीटर का हुआ इजाफा, तो वहीं डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर का हुआ इजाफा। यूपी के बरेली में प्रेमी ने शादी का झांसा देकर किया रेप। 5 लड़कों ने ब्लैकमेल कर किया गैंग रेप। आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटे पुलिस। यूपी के प्रतापगढ़ में बदमाश बेखौफ। राइस मिल संचालक से 15,90,000 रुपए की लूट। तमंचा दिखाकर बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। उत्तराखंड के हरिद्वार में कैलाशनंद गिरी ने आचार्य महामंडलेश्वर बनाने का विवाद। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी पर गंभीर आरोप। साध्वी त्रिकाल भवंता ने लगाया हत्या करवाने का आरोप। यूपी के हाथरस में शातिर कालिया गैंग ने पुलिस से हुई मुठभेड़। थाना अशनेरा के कस्बा किरावली में हुई मुठभेड़। पुलिस ने 8 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल। अवैध हथियार भी हुई बरामद। यूपी में लखीमपुर खीरी क्षेत्र के विचित्रनगर में जसविंदर उर्फ पप्पू ने गोली मारकर की आत्महत्या। जसविंदर सिंह उर्फ पप्पू बीते दिनों हुआ था हत्या का मुख्य अभियुक्त। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के लखीमपुर खीरी क्षेत्र में गलत तरीके से वोटों के विलोपन का आया मामला सामने। पूर्व प्रधान जमीर अहमद ने एसडीएम मोहम्मदी को की शिकायत। प्रशासन जुटा मामले की तफ्तीश में। यूपी के कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने। युवती प्रिया ने प्रेमी से बात करते समय नदी में लगाई छलांग। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के लखीमपुर खीरी में दबंगों की दबंगई। दबंगों ने एक पुजारी के घर को बनाया निस्तार निशाना। खुले आसमान में रहने को मजबूर हुआ पीड़ित परिवार। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रधानमंत्री आवास और शौचालय में धन उगाही का मामला। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लगाया आरोप। डूंगरपुर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को थप्पड़ जड़ने का मामला आया सामने। सागवाड़ा अस्पताल में डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार। चिकित्सकों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विधायक को गिरफ्तार करने की उठी मांग। बीकानेर के जामसर थाना क्षेत्र में 3 वाहनों में हुई भिड़ंत। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 7 लोग हुए घायल। पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर में घायलों को करवाया गया भर्ती। कुख्यात गैंगस्टर भोला यादव को पाली अस्पताल से गुडा इंदिरा थाने में किया शिफ्ट। मनिहारी में हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग का है मामला। भोला यादव 3 राज्यों की पुलिस का है वॉन्टेड। नागौर के डीडवाना में ट्रक के आगे बुलेरो लगाकर लूटे 38,00,000 रुपए। ट्रक चालक को डराकर दिया वारदात को अंजाम। कबाड़ भरकर हरियाणा जा रहा था ट्रक। नागौर के मुंडवा में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में श्रमिक की मौत का मामला। कंपनी के सामने श्रमिकों का बवाल। श्रमिकों ने कंपनी को एम्बुलेंस को लगाई आग। प्रशासन ने श्रमिकों से की समझाइश। दौसा के सिकराय में सड़क हादसा। रेटा बस स्टैंड के पास गाय से टकराई कार। हादसे में कार सवार 4 लोग हुए घायल। अजमेर के नसीराबाद में टेम्पो और ट्रेलर में हुई भिड़ंत। हादसे में एक युवा हुआ गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने ट्रेलर को किया जब्त।
सिरोही के पिंडवाड़ा क्षेत्र में युवक का हिमावा तालाब में मिला शव, पुलिस ने शव निकलवाया बाहर। मृतक के सर पर चोट के मिले निशान, पुलिस जुटी मामले की जांच में। डूंगरपुर के बलवाड़ा गांव में एक किसान की करंट लगने से हुई मौत, खेत पर गेहूं की फसल को पानी पिलाने के लिए गया था किसान, मोटर चलाते समय हुआ हादसा। चित्तौड़गढ़ के चामटी खेड़ा स्थित एक प्लाईवुड के गोदाम में लगी आग, हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक, चार दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद किया आग पर नियंत्रण। श्रीगंगानगर के पदमपुर में पूर्व प्रधान को यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक युवती ने पूर्व प्रधान पर लगाया था यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार कर करवाया मेडिकल। अजमेर में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, भाजपा ने घर घर प्रचार अभियान किया शुरू, मेरा प्रत्याशी मेरा परिवार स्लोगन के साथ भाजपा ने अभियान का किया आगाज। बांसवाड़ा रेंज आईजी सत्यवीर सिंह ने कुशलगढ़ का किया दौरा, पुलिस अधिकारियों से की कानून व्यवस्था की समीक्षा, जवानों से किया सत्यवीर सिंह ने संवाद। अजमेर की सेंट्रल जेल में पौधारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जेल में 300 गुलाब के लगाए गए पौधे, एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने पौधारोपण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। प्रदेश में सरपंच नए वित्तीय आदेशों के खिलाफ आंदोलनरत, दौसा में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, पीटी खाते को बंद करने की मांग। चौक के देवली में नशे के सौदागरों के खिलाफ स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई, आवा गांव में 50 किलो गांजा किया जब्त, दो आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। चौक की हमीरपुर पंचायत के पूर्व सरपंच पति पर फायरिंग करने का मामला, ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। सवाईमाधोपुर के बौली में 7 दिवसीय राजस्व समस्या निवारण शिविर का शुभारंभ, पटवारी और गिरदावर तहसील परिसर में खातेदारी को लेकर दर्ज प्रकरणों का करेंगे निस्तारण। बाली के बीजापुर गांव में विधायक पुष्पेंद्र सिंह सहित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का किया गया स्वागत, विधायक ने कहा क्षेत्र का विकास कराना है पहली प्राथमिकता, जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए इस और ध्यान। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का भरतपुर दौरा, भरतपुर के बयाना में न्यायाधीश देवेंद्र कुमार शर्मा का अधिवक्ताओं ने किया वॉर रूम में स्वागत, डीजे शर्मा ने कहा बार और बेंच में होने चाहिए मधुर संबंध, कचहरी के मुख्य द्वार पर बने नवनिर्मित गेट का शर्मा ने किया उद्घाटन। कृषि कानूनों के विरोध में मेड़ता सिटी के सोगावास ग्राम में हुआ किसान सम्मेलन, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का जताया विरोध, किसान नेताओं ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस दिल्ली में मनाने का लिया फैसला। पाली के देसूरी में किशोरी शक्ति योजना के तहत बालिकाओं को करवाया सरकारी कार्यालय का भ्रमण, तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार ने राजस्व विभाग से जुड़ी दी जानकारी तो न्यायालय में सिविल न्यायाधीश पीयूष जैलिया ने न्याय संबंधित दी जानकारी। सीकर के रामगढ़ में विधायक हाकम अली का कांग्रेस प्रदेश महासचिव बनने पर किया स्वागत, तो वहीं फूल सिंह ओला के प्रदेश सचिव बनने पर किया स्वागत। बारा के अंता में मेन बाजार में लगने वाली सब्जी मंडी को अन्य स्थान पर स्थानांतरण करने की मांग, सब्जी मंडी में आवारा जानवरों का लगा रहता है जमघट, प्रशासन समस्या पर नहीं दे रहा ध्यान। नसीरबाद के वाटर टैंक परिसर में मृत पड़े कौवे, लोगों में बर्ड फ्लू को लेकर हुआ भय व्याप्त, जलदाय विभाग सहित पशुपालन विभाग नहीं दे रहा अभी भी कोई ध्यान। समदड़ी पंचायत समिति की साधारण सभा की हुई बैठक, नवनिर्वाचित प्रधान संतोष जी नगर की अध्यक्षता में हुई बैठक, विधायक सहित जनप्रतिनिधि बैठक में रहे उपस्थित। जैसलमेर के साकड़ा में प्रधान भगवत सिंह तंवर की अध्यक्षता में हुई बैठक, पहली सभा में सभी सदस्यों का किया अभिनंदन, सभी विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित। डूंगरपुर में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टियां जुटी अपनी तैयारियों में, कांग्रेस प्रभारी सरवटे ने चुनावों को लेकर कांग्रेसी नेताओं के साथ किया मंथन। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।